हेलो एवरीवन, दिस इज डिजिटल प्रियांशु। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अपना सेल्स फनल होता कैसे। ठीक, बना पहले तो देखो, इसकी वीडियो में बता दिया कि ब्लूप्रिंट कैसे होता है सेल्स फनल का अपना स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखो, देन आप इस वीडियो में आओ, क्योंकि इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कि फनल क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक, तो ये अपना बिल्डर का डैशबोर्ड है। अगर आपने अभी तक प्रीमियम नहीं लिया है बिल्डर का, तो पहले आप प्रीमियम लें, देन आप इस वीडियो में आएँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाकर आप प्रीमियम ले सकते हैं। एंड आपको अगर अपने साथ बिजनेस करना है, मेरे साथ बिजनेस करना है, तो आप उस पर बिल्डर आर का $69 का प्रीमियम ले सकते हैं। अगर आप 30 डेज के लिए ट्रायल कर रहे हैं तो वो भी गुड है, बट आपको अगर बिजनेस करना है, आपको अच्छे से नॉलेज लेनी है, आपको इम्प्लीमेंट जल्दी जल्दी करना है, विद इन 1 मंथ के अंदर आपको 10 से 15 हज़ार अर्न करना है। क्योंकि देखो, जब तक आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक आप अर्न नहीं कर सकते। जितने बड़े बड़े मार्केटर होते हैं पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, तगड़ी लेवल की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो वो एक्सक्यूज अगर आपके पास है इन्वेस्टमेंट वाला कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आप 30 डेज का ट्रायल लें, आराम से सीखे 30 डेज के लिए, फिर आप कर सकते हैं। ठीक, तो पहले अपना उसमें देखो, लास्ट वीडियो में जो था अपना उसमें कवर किया गया था कि मेलिंग बास पहले क्रिएट करना है। तो उस वीडियो में पहले अपना एंटर करते हैं मेलिंग बास में। तो ये अपना मेलिंग बास, यहाँ पर एंटर होते हैं। जैसे एंटर होते हैं अपना इस पेज, इस टाइप का पेज ओपन होता है। यहाँ पर अपना लिस्ट क्रिएट करनी पड़ती है सब्सक्राइबर्स की। जैसे मैंने उसमें बताया था कि फेसबुक एड्स का कोई कोर्स आप परचेज करवा रहे हैं, ठीक, तो उसके लिए आपको लिस्ट तैयार करनी कि हाँ, जो डाटा होगा ये इस लिस्ट का डाटा है। यानी कि आप फेसबुक एड्स का भी कोर्स कोई फनल बना रहा है, कोई दूसरा कोर्स बना रहा है, कोई दूसरा कोर्स बना रहा है, तो आपको पता तो होना चाहिए किस लिस्ट में क्या क्या डाटा है, कौन सा डाटा किस कोर्स का है। तो मान लो फेसबुक एड्स का कोर्स है, तो आप फेसबुक एड्स सबके लिए डाल सकते हैं याद करने के लिए। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक, अब डबल ऑप्टिन, सिंगल ऑप्टिन, इसमें देखो डबल ऑप्टिन लिखा है। ठीक है, तो ये मैं आपको बाद में कवर करूंगा, डबल ऑप्टिन सिंगल ऑप्टिन होता है, जैसे आप ऐसे करते रहें। ठीक, योर फार्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सेव्ड, आपका फार्म क्रिएट हो चुका है। अब फार्म में क्या डालना है, आपका ईमेल, तो देखो ये तो अपना ईमेल का लिस्ट है, तो ईमेल तो ऑटोमेटिक होगा ही होगा। ठीक, अब आपको फर्स्ट नेम डालना है या फ़ोन नंबर डालना है, जो भी फील्ड उसमें डालनी है कवर डाटा कलेक्ट करने के लिए, आप डाटा आप चेक कर सकते हैं। तो मेरे को केवल फर्स्ट नाम डालना है और ईमेल डालना है, तो मैंने फर्स्ट नाम ईमेल पर क्लिक किया। अगर आपको फ़ोन नंबर भी डालना है, तो यहाँ पर आप ऐड फोन नंबर ऐड टेस्ट फील्ड क्लिक करेंगे, तो आपका फ़ोन नंबर भी ऐड हो जाएगा वहाँ पर। तो मेरे को इतना ही करना था, तो मैंने बस सेव चेंज पर क्लिक किया। देन मैं फील्ड पर दोबारा गया। मेरे को सिक्वेंस करना है कि पहले अपना फ़ोन नंबर फर्स्ट नेम होना चाहिए, देन आपका ईमेल होना चाहिए। तो स्टार्टिंग 0 से होती है, फर्स्ट नेम 0 हो गया अपना, देन आपका ईमेल हो गया फर्स्ट नंबर। ठीक, अब इसमें करना है सेव चेंज। ओके, अब यहाँ पर ध्यान ले, रिक्वायर्ड है नो को यस करना है आपको, यानी कि हाँ रिक्वायर्ड है, देन आपको सेव चेंज करना है। पर दोबारा क्लिक करेंगे, अब देखो अपना ये फेसबुक एड्स का लिस्ट क्रिएट हो गई, ये अपनी फेसबुक एड्स की लिस्ट है। ठीक, अब आपको करना क्या है, देन आपका ये काम कंप्लीट हो गया। ठीक, तो अगले वीडियो में आपको लैंडिंग पेज क्रिएट करना बताऊंगा कि लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट। सो आज वीडियो